नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लंगोट के बारे में। लंगोट जो हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति का प्राचीन समय से ही एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देशवासी अंग्रेजी सभ्यता की तरफ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और वह सपोर्टर का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं और सपोर्टर ही पहनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लंगोट बांधने के कितने ज़्यादा फायदे हैं। भाइयों, लंगोट तो हमेशा सूती कपड़े का ही बनता है, लेकिन जो सपोर्टर होता है उसमें अनेक प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। भाइयों, वह ना तो हमारी जो स्किन है उसको सुरक्षित रख सकता है और ना ही हमारे अंडकोशों को। सपोर्टर पहनने से भाइयों जो हमारे अंडकोश होते हैं उनमें भी पानी भर सकता है और हर्निया का भी शिकार हो सकते हैं हम, क्योंकि भाइयों सपोर्टर में क्या होता है, सपोर्टर में एक रबड़ अनुमान इलास्टिक होती है जो समय अनुसार ढीली होने लग जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। सपोर्टर बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी होता है और बजाय लंगोट के, लंगोट 30 या 40 रुपए में ही आ जाता है और सपोर्टर 200-250 रुपए में आता है। और जो हमारा लंगोट होता है उसको हम कितना भी ढीला या टाइट कर सकते हैं, ऐसा सपोर्टर में नहीं है। सपोर्टर जब आप नया नया खरीद कर लाएंगे तो आपको वह बहुत अधिक टाइट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको दिन जैसे जैसे दिन आपके बढ़ते जाएंगे उसको पहनने में, वह धीरे धीरे ढीला होने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आजकल भाइयों हमारे भारत देश में बहुत से युवा ऐसे हैं जो लंगोट पहनना भूल गए हैं, उन्हें लंगोट के बारे में पता भी नहीं है। आने वाली पीढ़ी तो अगर ऐसा ही चलता रहा लंगोट के बारे में बिल्कुल ही भूल जाएगी। भाइयों, सपोर्टर से क्या होता है, सपोर्टर में जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं जिम वाले बच्चे, तो भाइयों जब वह नया नया सपोर्टर खरीद कर लाते हैं तो उनको वह टाइट लगता है और जब वह उसमें व्यायाम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वह ढीला होना शुरू हो जाता है और पता भी नहीं लगता। और भाइयों, लंगोट में क्या है, लंगोट में ना तो कोई रबड़ होती है ना कोई इलास्टिक, और आप उसको जितना मर्जी टाइट कर सकते हैं, जितना मर्जी ढीला। तो भाइयों ये है हमारे लंगोट और सपोर्टर में फ़र्क। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि लंगोट बांधने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। लंगोट बांधने से भाइयों बहुत से फ़ायदे हैं जो मुझे भी मिले हैं। भाइयों, मैं पहले लंगोट नहीं बांधता था तो स्वप्न दोष आदि का भी शिकार में हो जाता था और मन में बहुत अधिक बुरे विचार आते रहते थे, लेकिन भाइयों जब से मैंने लंगोट पहनना शुरू करा है मन में ना कोई बुरा विचार आता और स्वप्न दोष भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है। बस भाइयों आपको लंगोट बांधने के बाद एक कार्य जरूर करना है, जब भी आपको मलमूत्र का दबाव हो तभी आपको मलमूत्र त्यागने के लिए जाना है। यदि आपने एक दो मिनट भी देरी करी तभी आपको दिक्कत हो सकती है। और भाइयों मेरे सामने क्या दिक्कत आई थी, जब मैंने 24 घंटे लंगोट पहनना शुरू करा, जब मैं 24 घंटे के लिए अभ्यास करने लगा लंगोट पहनने का, शुरुआत में तो मुझे ऐसा होता था जैसे बहुत ज़्यादा खुजली होती थी प्राइवेट पार्ट में, लेकिन भाइयों धीरे धीरे मैंने इसका अभ्यास बनाया। अभ्यास भाइयों क्या है, मैं पहले लंगोट को प्रतिदिन नहीं धोता था, जैसे मैं लंगोट को पहनता था और प्रतिदिन उसको ही पहनता था बदल बदल कर, मैं उसको कभी भी धोता नहीं था। तो भाइयों अब मैंने लंगोट को डेली धोना शुरू कर दिया है साबुन और बुरुश के साथ। भाइयों यदि आप भी दो लंगोट रखेंगे अपने पास, एक दिन के लिए और एक रात के लिए, तब आपको भाइयों कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रतिदिन आपको लंगोट पर प्रेस भी करनी है। लंगोट पहनने से भाइयों जो आपके शीघ्र पतन, धातु रोग, स्वप्न दोष आदि ये सब समस्या है भाइयों, ये सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सपोर्टर भाइयों हमेशा आप जब भी देखेंगे सपोर्टर हमेशा आपको 200 या 250 रुपये का मिलेगा, जो नॉर्मल फैमिली वाले इसको नहीं खरीद सकते। और जो लंगोट है भाइयों आपका, यह आप 20-30 रुपये में, 40-50 रुपये में भी आपका यह आ जाता है आसानी के साथ। और यह हमेशा भाइयों सपोर्टर जो लंगोट है भाइयों आपका, वह आपको सूती कपड़े का ही लेना है। और एक और सवाल है भाइयों, बहुत से भाई कहते हैं कि लाल रंग का लंगोट हमें नहीं पहनना चाहिए, यह तो हनुमान जी का है। भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, लंगोट तो लंगोट है, आप चाहे किसी भी रंग का लंगोट पहने, यह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। लंगोट पहनने से भाइयों बहुत फ़ायदे है, आप मेरा विश्वास करें और आज से ही 24 घंटे तक लंगोट पहनना शुरू करें। आजकल तो भाइयों आप देखते होंगे कि अखाड़ों में आज भी कोई भी सपोर्टर आदि नहीं पहनता, वह लंगोट पहनकर ही अपना अभ्यास करते हैं। और जब कोई भी भाई 24 घंटे के लिए लंगोट धारण करना चाहता है, उसका लंगोट हमेशा सूती होना चाहिए और पतले कपड़े का हो, तभी भाइयों उसको फ़ायदा मिलेगा। तो भाइयों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और सपोर्टर और लंगोट में क्या फ़र्क होता है और लंगोट पहनने से हमें कैसे कैसे फ़ायदे मिलेंगे। तो भाइयों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।